does it feel to live in a house of exclusivity? Well, check it out yourself. वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु, जहां हम आपको दिखाते हैं ट्राई सिटी की एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टीज। तो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट पर आई हूं, एक नई लोकेशन पर आई हूं। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट इज अपटाउन स्काइला। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूँ तो ये लोकेटेड रहेगा आपका PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड जीरकपुर में। साथ ही साथ इफ आई टॉक अबाउट इट्स कनेक्टिविटी, तो यहाँ से आपको नेबरिंग स्टेट्स का सीधा एक्सेस मिल रहा है, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ आपको पंचकुला, चंडीगढ़ एंड मोहाली का भी सीधा एक्सेस मिल रहा है यहाँ से। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट नियर बाई हॉटस्पॉट्स एंड प्लेसेस, तो यहाँ से सभी मेजर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स बिल्कुल पास में ही हैं। तो चलिए चलते हैं और प्रोजेक्ट को और जानते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट। पूरी टाउनशिप आपकी रहेगी 9 acres में, जिसमें कि 2 acres में रहेगा सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एरिया एंड 7 acres में रहेगी आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये रहेगा आपका प्रोजेक्ट का एंट्री एंड एग्जिट गेट, जिसके साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये रहेगा PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जो कि 200 feet वाइड है। तो एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही दिस साइड दिस विल बी द कमर्शियल एरिया, जिसमें कि आपको पार्किंग भी मिल रही है। टोटल यहाँ पर 9 towers रहेंगे, जिसमें कि आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK की इन्वेंट्रीज मिल रही हैं। एंड इन टोटल आपको यहाँ पर 6 layouts मिल रहे हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट में आपको 60% ओपन एरिया मिल रहा है एंड 40% कंस्ट्रक्टेड एरिया मिल रहा है। यहाँ पर आपको 12,000 स्क्वायर फीट के एरिया में क्लब हाउस मिल रहा है, जिसमें कि आपको सारी वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ मिल रही हैं। क्लब हाउस के अंदर आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, इंडोर गेम्स मिलेंगे, कैफेटेरिया रहेगा, पूल एरिया रहेगा, विद दैट यहाँ पर रिसेप्शन एंड एवरीथिंग यूल गेट इन दिस 12,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस। साथ ही साथ यहाँ पर पार्क्स रहेंगे, आउटडोर गेम्स के लिए स्पेस रहेगा, गजीबोज रहेंगे। सो इन दिस टाउनशिप यू आर गेटिंग एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर फॉर। एंड अब बिना देरी करते हुए मैं आपको सीधा लेकर चलती हूँ अपने सैम्पल अपार्टमेंट में। सो अब मैं आ गई हूँ आपके 4+1 BHK सैम्पल अपार्टमेंट के बाहर, जिसका साइज रहेगा 2,505 square feet। तो दिस विल बी द एंट्रेंस टू योर अपार्टमेंट, जिसकी एंट्रेंस होगी थ्रू दिस हार्डवुड डोर। पर जैसे कि मैंने कहा कि ये 4+1 BHK अपार्टमेंट है, यानी कि यहाँ आपको सर्वेंट रूम मिल रहा है। एंड सर्वेंट रूम रहेगा आपका ये, तो इसकी अलग से एंट्री है। विद दैट आपको सर्वेंट रूम के अंदर एक सेपरेट टॉयलेट मिल रहा है, जिसके साथ ये सर्वेंट रूम फर्दर आपकी किचन के साथ कनेक्टेड रहेगा, यानी कि आप इस सर्वेंट रूम से सीधा किचन में जा सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे सैंपल अपार्टमेंट के अंदर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस व्यू। आई नो आप अभी इसे नहीं देख पा रहे होंगे, बट मैं जो अभी अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, इट इज एन अमेजिंग व्यू। आप भी थोड़ी देर में देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, तो ये रहेगा आपका फॉयर एरिया। एंड लुक एट दिस एरिया, कितने ब्यूटीफुली तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर एक मिरर है, यानी कि आप जब भी घर से अंदर जा रहे होंगे कहीं या घर में आ रहे होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हल्का सा टचअप कर सकते हैं। तो यू नो, अगर आप ऐसा कुछ चाहें तो यहाँ पर ऐसा कुछ करवा सकते हैं। इफ यू डोंट वॉन्ट दिस, तो आप यहाँ पे एक सिंपली एक शू रख सकते हैं। तो आप चलते हैं थोड़ा सा और अंदर। एंड थोड़ा सा अंदर आने पर आपको राइट साइड पर मिलेगा गेस्ट रूम, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। एंड दिस इज आवर ड्रॉइंग रूम। देखा आपने कितना शानदार, कितना मार्वलस ड्रॉइंग रूम है। इट इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी एंड वेरी मैग्निफिसेंट। इतना अच्छा ड्रॉइंग एरिया मैंने कहीं नहीं देखा है।
कितना ज्यादा स्पेस है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, देन यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सीटर सोफा सेट रखा हुआ है जिसके ऑपोजिट रहेगा आपका LED पैनल का स्पेस। देन इस तरफ भी यहाँ पर भी इन्होंने 5 सीटर सोफा सेट डिजाइन करवाया हुआ है जिसके ऊपर रहेगी आपकी AC की डक्टिंग। एंड वन मोर थिंग, मैंने अभी तक आपको इस ड्रॉइंग एरिया का साइज नहीं बताया है, तो सुनिए, इस ड्रॉइंग एरिया का साइज रहेगा 22x12 स्क्वायर फीट का। साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रहेगी इस ड्रॉइंग एरिया की प्राइवेट बालकनी, तो यहाँ से आपके बालकनी का एक्सेस रहेगा। विद दैट यहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलेगा, साथ ही वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ड्रॉइंग एरिया के बिल्कुल साथ रहेगी आपकी डाइनिंग एरिया, एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया। सबसे पहले मैं आपको इसका साइज बता दूं, तो ये रहेगा आपका 12x11 स्क्वायर फीट का साइज, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने 6 सीटर डाइनिंग टेबल फिट की गई है। उसके बाद भी यू हैव एम्पल स्पेस फॉर मूवमेंट, यानी कि अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं इस डाइनिंग टेबल को 8 सीटर या 10 सीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पर। विद दैट मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फर्नीचर यूज़ किया है, एवरीथिंग इज ग्रेट अबाउट दिस अपार्टमेंट। एंड लुक एट दिस साइड, मिरर वर्क, आई लव मिरर वर्क, ये आपको पता ही है मुझे मिरर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड पूरी वॉल पर मिरर है यहाँ पर, तो यू नो अगर आपको भी मिरर्स पसंद हैं, आपको आते जाते अपने आप को देखना पसंद है, तो ऐसा ही कुछ आप अपने अपार्टमेंट में भी करा सकते हैं। तो मैं आपको ड्रॉइंग एरिया दिखा चुकी हूँ, डाइनिंग एरिया दिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन में। सो दिस इज योर मॉड्यूलर किचन जिसका साइज रहेगा 10x10.5 स्क्वायर फीट में। ये आपके स्क्वायर शेप की किचन रहेगी, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, काफी ज्यादा स्पेस है एक्चुअली यहाँ पर। यू नो अगर आप चाहें तो 3 से 4 लोग यहाँ पर आसानी से मील प्रिपेयर कर सकते हैं बिना कंजेस्टेड फील किए हुए। यहाँ पर आपको ग्रेनाइट का काउंटर मिल रहा है। विद दैट जैसे आप ये कैबिनेट देख रहे हैं सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये रहेगा आपका ड्राई सेक्शन जिसके ऑपोजिट रहेगा आपका वेट सेक्शन जहाँ पे आपको ड्यूअल सिंक मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको गीजर एंड RO का प्रोविजन भी मिल रहा है। विद दैट यहाँ रहेगा आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस एंड ये रहेगा आपका माइक्रोवेव का स्पेस। तो ये थी आपकी मॉड्यूलर किचन, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हम रूम्स की तरफ। सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको इसका साइज बता दूं, तो ये रहेगा आपका 13x11 स्क्वायर फीट के साइज में। काफी स्पेशल, काफी ह्यूज बेडरूम है, आप इसे चाहें तो एज अ गेस्ट बेडरूम यूज कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि काफी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट का भी स्पेस है। यहाँ पर आपका बेड है जिसके ऑपोजिट में रहेगा आपका LED पैनल का स्पेस, साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 2 काउच भी फिट किए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस है। तो ये यहाँ पे काउच है जिसके पीछे रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस। यहाँ पर आपको इस बेडरूम में प्राइवेट बालकनी भी मिल रही है, जी हाँ यहाँ पे प्राइवेट बालकनी है। विद दैट आपको इस रूम में कबर्ड भी मिल रही है, जी हाँ यहाँ पर आपको कबर्ड मिल रही है, काफी अच्छा साइज का कबर्ड है। ये फुल वॉल माउंटेड कबर्ड रहेगा जिसके नेक्स्ट रहेगा आपका अटैच्ड वॉशरूम। सो दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम ऑफ योर गेस्ट बेडरूम, काफी अच्छा साइज है इस वॉशरूम का। विद दैट आप जैसे कि यहाँ पे टाइलिंग देख रहे हैं, बोथ फ्लोर एंड वॉल टाइलिंग सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वेंटिलेशन पर्पज के लिए यहाँ पे विंडो भी है, साथ ही साथ पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स यूज की गई हैं। कहते हैं अ होम इज नॉट जस्ट अ प्लेस बट इट्स अ फीलिंग, एंड आई प्रोमिस यू अगर आप इस घर में रहेंगे तो यू विल वेक अप फीलिंग अमेजिंग एवरी सिंगल डे। विद दैट यहाँ है, ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम विच इज सो ह्यूज, वाओ खुद ही देख सकते हैं आपकी कितना बड़ा बेड फिट किया है यहाँ पर, काउचेस फिट किए गए हैं यहाँ पर, और उसके बाद भी मूवमेंट का इतना अच्छा स्पेस है। तो मैं आपको इसका साइज बता दूं, ये रहेगा आपका 13x12 स्क्वायर फीट के साइज में, जिसमें कि यहाँ रहेगा आपका LED पैनल का स्पेस, जिसके पीछे रहेगी आपकी AC की डक्टिंग, एंड उसके साथ ही ये रहेगा आपके बालकनी का एक्सेस। जी हाँ यहाँ पर भी आपको प्राइवेट बालकनी मिल रही है। इन टोटल आपको इस अपार्टमेंट में 5 बालकनीज मिल रही हैं, जी हाँ 5 बालकनीज। यहाँ पर इन्होंने काउचेस फिट किए हैं, तो जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है इस रूम में भी, तो अगर आप चाहें तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसे काउच यहाँ पर लगा सकते हैं, इफ़ नॉट काउच आप यहाँ पर चाहे तो एक स्टडी टेबल भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ड्रेसिंग एरिया एंड वॉशरूम में।
सो दिस इज द ड्रेसिंग एरिया ऑफ योर रूम. काफ़ी अच्छी कबर्ड है. एक्चुअली यहाँ पर सारे रूम्स में आपको कबर्ड प्रोवाइड की जा रही है. तो आप जैसे यहाँ पर ये कबर्ड देख रहे हैं, इस रूम की सेम ऐसी ही कबर्ड आपको मिलेगी. तो इसके साथ यहाँ पर रहेगा आपका अटैच्ड वॉशरूम. सो दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम ऑफ योर सेकेंड बेडरूम. जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सेम फ्लोर की टाइलिंग रहेगी, सेम वॉल टाइलिंग रहेगी, साथ ही साथ पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स रहेंगी. और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ थर्ड बेडरूम में. एंड दिस इज द थर्ड बेडरूम जो कि है आपका किड्स बेडरूम. बहुत ही प्रिटी एंड बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया है इन्होंने. बहुत ही अच्छा फर्नीचर है यहाँ पर. इंटीरियर बहुत अच्छा है. यू नो, आप देख ही सकते हो, बहुत ही कामिंग वाली फीलिंग आ रही है. बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये रूम. सबसे पहले मैं आपको उसका साइज़ बता दूँ, तो ये रहेगा आपका 14x11 स्क्वायर फीट के साइज़ में, जिसमें कि अगेन आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है. दो सिंगल बेड फिट किए हैं और बीच में भी स्पेस है. यहाँ पर भी यहाँ पे मूवमेंट का बहुत अच्छा स्पेस है. स्टडी टेबल फिट की हुई है, उसके बाद भी कितना अच्छा स्पेस है. और यहाँ रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग. पीछे रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस. इस ये वाला जो रूम है, थर्ड बेडरूम एंड जो फोर्थ बेडरूम है, इसकी कॉमन बालकनी रहेगी. तो दिस इज दी बालकनी. यहाँ से आपको बहुत प्यारा व्यू मिलेगा, साथ ही साथ नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रहेगी. एंड ये रहेगा ड्रेसिंग एरिया आपके किड्स का. जैसे कि आप ये फुल वॉल माउंटेड कबर्ड देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस है कबर्ड्स में, आप देख ही सकते हैं. एंड ड्रेसिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही रहेगा आपका अटैच्ड वॉशरूम. सो दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम ऑफ योर किड्स रूम. काफी अच्छा साइज है इस वॉशरूम का. साथ ही यहाँ पर सारी प्रीमियम फिटिंग्स मिल रही हैं. पूरा जो वॉशरूम है आपको कंप्लीट मिल रहा है यहाँ पर. जी हाँ, साथ ही ये रहेगी आपकी वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो. सो गाइज, मैं आपको तीनों बेडरूम्स दिखा चुकी हूँ. और अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु को सब्सक्राइब कीजिए. विद दैट, अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं. और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे बेडरूम नंबर 4 में. एंड दिस इज योर बेडरूम नंबर 4 जो कि है आपका मास्टर बेडरूम. वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड, वाओ. तो सबसे पहले मैं आपको इसका साइज बता दूं, तो ये रहेगा आपका 16.5x11 स्क्वायर फीट के साइज में. बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ह्यूज एंड वेरी स्पेशियस बेडरूम इट इज. बहुत ही ब्यूटिफुली तरीके से तो डिजाइन किया गया है इसे, आप खुद ही देख सकते हैं. यहाँ पे किंग साइज बेड फिट किया है, साथ ही यहाँ पे दो काउचेस भी हैं. उसके बाद भी मूवमेंट का बहुत अच्छा स्पेस है. एंड मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, तो ये रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये किड्स बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम की कॉमन बालकनी है. तो अब चलते हैं हम बालकनी में. सो दिस इज द बालकनी जो कि आपके मास्टर बेडरूम एंड आपके किड्स बेडरूम की कॉमन बालकनी है. आप खुद ही देख सकते हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज बालकनी. यहाँ पर इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है. विद दैट, रेलिंग काफी अच्छी गुड हाइटेड रेलिंग है. साथ ही साथ पूरे अपार्टमेंट की विंडोज में आपको UPVC टफन ग्लासेस मिल रहे हैं, जो कि साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रहेंगे. विद दैट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक मिरर लगाया हुआ है. उसके नीचे एक कैबिनेट वाली टेबल भी फिट की गई है, तो इसे आप एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज कर सकते हैं. आप भी कुछ ऐसा अपने अपार्टमेंट में, अपने रूम में पुट कर सकते हैं. एंड मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द ड्रेसिंग एरिया ऑफ योर बेडरूम. यहाँ पर जैसे आप ये कबर्ड देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. ये फुल वॉल लेंथ कवर्ड है एंड बहुत ही अच्छा स्टोरेज का स्पेस है इसके अंदर. तो ड्रेसिंग एरिया के बिल्कुल साथ रहेगा आपका अटैच्ड वॉशरूम. एंड दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम ऑफ योर मास्टर बेडरूम. ये बहुत ही बड़ी वॉशरूम है, काफी अच्छा इसका साइज है. यहाँ पीछे रहेगी आपकी विंडो फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन. साथ ही साथ ये रहेगा आपका वैनिटी सेक्शन, जहाँ पर आपको मिरर इंक्लूडेड नहीं रहेगा. साथ ही साथ आपको पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स मिल रही हैं. विद दैट, जैसे कि आप इस वॉशरूम में टाइलिंग देख रहे हैं, बोथ वॉल टाइलिंग एंड फ्लोर टाइलिंग ये सेम एज इट इज रहेगी. सो दिस वॉज योर 4+1 BHK अपार्टमेंट इन जीरकपुर. आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा,
Do tell us in the comments. Saath hi saath, you know, if you want to buy a house that reflects sophisticity and class, then this house is perfect for you. तो आइए और इसे विजिट कीजिए, साथ ही साथ इसे खरीदिए भी। और विजिट करने के लिए जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है उस पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हमारी टीम आपको असिस्ट कर पाए। साथ ही साथ ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। बाय बाय एंड टेक केयर।